ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कांग्रेस के खून से खेती सींचने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि गोधरा में सिंचाई पानी से हुई थी या खून से, पहले इसका जवाब आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा नफरत और हिंसा की राजनीति करती है और खून की खेती भाजपा करती है। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। उन्होंने इस दौरान किसान आंदोलन में आज के चक्का जाम में जनता का आह्वान करते हुए कहा कि यदि किसान विरोधी कानून का विरोध करना चाहते हैं तो सड़कों पर आइए। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर बोलते हुए कहा कि अवैध खनन करने वाले लोग शासन प्रशासन के साथ साथ विधायकों और मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री तक को हिस्सा देते हैं। यही कारण है कि आए दिन पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमले होते हैं, क्योंकि अवैध कारोबारी पैसे भी दे और उनके वाहन को भी रोका जाए, यह कैसे सहन हो। उन्होंने साफ कहा है कि अगर प्रशासन ईमानदारी से अवैध खनन को रोकने का प्रयास करे तो एक दिन में इसे रोका जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शराबबंदी के लिए आंदोलन की घोषणा पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, क्योंकि उमा जी कहती हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खोलेंगे और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि नई दुकानें खोलेंगे। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, एक वर्तमान मुख्यमंत्री है और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री, अब किसकी बात माने। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के निर्माण के संबंध में कहा कि चंदा वसूली की जाने रही है, जहां पर डंडे ले जाए जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं और उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है। इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर प्रदेश में कई इलाकों में सांप्रदायिक घटनाएं की जा रही है, उसी बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया है। मैंने इस बारे में चीफ सेक्रेटरी और डीआईजी को पत्र लिखा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं निजी तौर पर हाईकोर्ट में जाऊंगा। और दरअसल मैं पूर्व मुख्यमंत्री अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए थे, जहां रेलवे स्टेशन पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, उसके बाद वह गुना के लिए प्रस्थान कर गए। नरेंद्र सिंह ने कल कहा है कि कांग्रेस आंदोलन को खून से सींच रही है और गड़बड़ियां पैदा कर रही है। कल मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली में। अरे क्या कर रहे हो यार? मैं कहना चाहता हूँ कि अरे इंडियन न्यूज़ नीचे कर यार। अगर ये बात सही है तो गोधरा में पानी की खेत से सिंचाई हुई थी या खून की सिंचाई हुई थी? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नफरत और हिंसा की राजनीति करती है, दंगे फसाद कराती है, तो खून की खेती भाजपा करती, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। आज मैं सभी उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ है, जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, उसका यदि वो विरोध करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए और 12 से 3 बजे तक धरने में शामिल होइए। राजा साहब, जिस तरह से जो अभी लगातार हमले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल अंचल में माफियों ने कल हमले किए, पुलिस पर हमले किए, रेत कारोबारी, खनन कारोबारी, बात यह है कि जब ये अवैध रेत खनन के लोग शासन को, प्रशासन को, मंत्रियों को, विधायकों को और मुख्यमंत्री जी को सबको हिस्सा देते हैं, जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है, तो हमले होंगे। और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। एक तस्वीर आपकी तस्वीर बड़ी सुहानी दिखाई दी जी, पार्लियामेंट में जो देखने को मिला, बातचीत हुई, क्या लगता है कि सिंधिया की घर वापसी हो सकती है आने वाले समय में? उनको बाहर भेजा किसने था? कुछ तो गुफ्तगू हुई होगी सर आपकी, क्या बातचीत? ऐसा है, जब राज्यसभा में बैठक होती है तो लॉबी में मुलाकात होती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, सम्मान दिया, उस पार्टी की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा।
साहब लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है एंटी माफिया अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ नहीं गए उनको, तो ये कहाँ की राजनीति है? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और वैमनस्यता उनकी राजनीति का एक प्रमुख अंग है। राजा साहब, मुरलीधर राव ने जिस तरीके से सिंधिया को लेकर टिप्पणी की थी, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी के लोग के चक्कर में हमारे जो लोग थे वो वंचित रह गए, एडजस्टमेंट नहीं, कितना एडजस्ट करें, मंत्री नहीं बन पाए। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों में थोड़ा सा असंतोष तो है क्योंकि उनका हक मारा गया। आज जो कांग्रेस से गद्दारी करके भाजपा में गए वो मंत्री बने हुए हैं, और जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे अजय बिश्नोई हो, चाहे रामपाल सिंह हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, ये सब लोग आज बाहर, तो नाराजी होना स्वाभाविक है। राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रहा है, भाजपा कर रही है अपने स्तर पर, मुझे मैंने इस बारे में पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि राम मंदिर का निर्माण तो उन्होंने कहा था कि सरकार कराएगी, ट्रस्ट भी बना दिया। हालांकि हमें आज आपत्ति इस बात की थी कि इसमें उसमें ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के लोग ज़्यादा थे, वनस्पत सनातन धर्म के शंकराचार्य जो हमारे प्रमुख हैं धर्म के उनके, लेकिन फिर भी चलिए आपने बना दिया। तो ये चंदा वसूली जो कर रहे हैं, चंदा वसूली करने जा रहे हैं, डंडे ले जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? और इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर जो इन्होंने सांप्रदायिक घटनाएं की हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे मंदसौर में हो, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। मैंने इस बारे में पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी जी को और DIG साहब को, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई जिन दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ और उनके खिलाफ जिन्होंने वहाँ दंगा किया, घर जलाए, गाड़ियाँ तोड़ी, तो मुझे मजबूरी में मैं निजी तौर पर हाई कोर्ट में जाऊंगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। राजा साहब, शराबबंदी की भी मांग उठी है, वहाँ भारतीय आंदोलन करने वाली हैं, फिर अपने उससे पीछे हट गई। उनका कहना है कि मैं बंद करने की बात नहीं की, लोग स्वेच्छा से छोड़े शराब को, पहले कह रही 8 तारीख को मैं आंदोलन करूँगी, महिला दिवस पत्र कह रही स्वेच्छा से छोड़े, तो कोई दबाव आ गया अचानक? स्वाभाविक दबाव है, उन सब का दबाव है जो कि शराब का धंधा करना चाहते हैं। तो 24 लोग मरे, उसके बाद कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया। ये देखिए, जो 24 लोग मरे हैं वो तो अवैधानिक तरीके से चल रही जहरीली शराब बनाने का जो एक हर जिले में प्रक्रिया चल रही है उसमें मौत हुई है। कोई जो सरकारी डिस्टिलरी से शराब बनी उससे मौत नहीं हुई है। और कई ऐसे ज़िले हैं मैं जानता हूँ, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अधिकारी कर्मचारियों में ये अवैध शराब बनाने वाले जो हैं बांटते हैं, ये सब उसी के अंदर हुआ है। अब ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है, उमा जी कहती है शराब बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खोलेंगे, और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं हम और शराब की दुकानें खोलेंगे। अब यही समझ में नहीं आता किसकी बात माने, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री, तो ये सब लोग किसकी बात माने। KNN न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।